गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर चैप्टर नंबर 11 ऑफ इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे. आज हम टेंसेज एंड देयर यूजेस, इसमें हम टेंसेज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. टेंसेज रेफर्स टू द टाइम ऑफ एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. जो टेंस है वो टाइम जो है बताता है किसी भी एक्शन का. ठीक है, कि वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फिर फ्यूचर में. द वर्ड टेंस मीन्स टाइम. जो टेंस है इसका मतलब क्या होता है? टाइम. ठीक है, काइंड्स ऑफ टेंसेस. अब टेंस जो है कितने टाइप के होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. थ्री टाइप्स के होते हैं. द पास्ट टेंस इंडिकेट्स द एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम. ठीक है, जो पास्ट टेंस होता है वो उन एक्शंस के बारे में बताता है जो कि पास्ट टाइम में जो है हुई है. द प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स द दैट द एक्शन इज डन एट द प्रेजेंट टाइम. जो प्रेजेंट टेंस है वो प्रेजेंट टाइम की एक्शंस को डिनोट करता है. द फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शंस विल बी डन इन द फ्यूचर टाइम. तो फ्यूचर टाइम की जो टेंसेज होते हैं वो फ्यूचर के एक्शंस को इंडिकेट करते हैं. ठीक है, ईच ऑफ दीज थ्री मेन टेंसेज हैज फोर फॉर्म्स. इन तीनों जो टेंसेज हैं इनके तीन मेन फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं? सिंपल सिंपल टेंस. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस कह सकते हैं. नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म. ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ये प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में होता है. ठीक है, इसमें जो है कोई भी जो एक्शन है वो चल रहा है. ठीक है, तो उसके बारे में बात होती है. परफेक्ट टेंस. ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, कॉन्टिन्यूस इट इज स्टेट्स एन एक्शन इन प्रोग्रेस. ठीक है, जो सिंपल है इट स्टेट्स एन एक्शन. जो सिंपल टेंस है वो एक्शन को इंडिकेट करता है. कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो एक्शन की प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है. और जो परफेक्ट टेंस है वो इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट. ठीक है, एक्शन जब कंप्लीट हो चुका होता है तो परफेक्ट टेंस जो है उसे इंडिकेट करता है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन स्टार्टेड एट अ गिवन टाइम इन द पास्ट एंड इज कॉन्टिन्यूस अप टू द प्रेजेंट. ठीक है, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है ये जो है मतलब उस टाइम के बारे में बताता है जब से ही जो है एक्शन स्टार्ट हुआ है और जो है अभी प्रेजेंट तक चल रहा है. ठीक है, तो वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं. ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम स्टार्ट करते हैं. वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू रिफर टू द यूनिवर्सल ट्रूथ. कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं तो वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट. ठीक है, तो ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सन है वो पूर्व से पूर्व दिशा से या उस ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है, राइज करता है. और रूटीन और हैबिचुअल एक्शन. ठीक है, या ऐसे एक्शन जो कि जो है हैबिचुअल होते हैं या हम रोज करते हैं. जैसे वी ब्रश आवर टीथ. ठीक है, तो ये हमारा जो है रेगुलर एक्शन हो गया. अ रेगुलर एक्शन. ठीक है, और रिचुअल. तो वहाँ पे जो है इन सारी जगहों पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. जहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही हो या न्यूज़पेपर हेडलाइन, अब प्री शेड्यूल्ड फ्यूचर एक्शन और इवेंट, अ वार्निंग, लाइक्स और डिसलाइक, अ प्रोवर्ब टू डिस्क्राइब प्रोफेशनल एक्टिविटीज ड्यूटीज. तो यहाँ इन सब सिचुएशन में प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसका यूज करते हैं. ठीक है, प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होते हैं वहाँ पे इस सेंटेंस फॉर्मेशन में हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है. ठीक है, वर्ब और वर्ब के साथ एस और ई एस जो है तब हम ऐड करते हैं जब जो है अगर हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर है. सिंगुलर या प्लूरल उस केस में होगा जब हमारा सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के साथ एस ई एस है तो वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि जो वर्ब है वो विदाउट एस ई एस प्लूरल माना जाता है. और जो सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस ई एस नहीं है. इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा. और सिंगुलर वर्ब के साथ हम एस ई एस ऐड करते हैं. ठीक है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म करने का जो है हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए. जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है, एक सेंटेंस देखते हैं. रीना लाइक्स मुटन कबाब. ठीक है, तो यहाँ पे जो रीना है ये हमारे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. लाइक्स क्योंकि सिंगुलर है, इसके साथ एस एस नहीं है तो हम यहाँ पे लाइक के साथ एस एस लगाएंगे. तो ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन में, सेंटेंस की फॉर्मेशन. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज. अब जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो कहाँ पे यूज होता है? टू रेफर टू एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ठीक है, कि कोई एक्शन जो है अभी भी चल रहा है वहाँ पे यूज करते हैं. टू रेफर टू अ शॉर्ट टर्म टेम्पररी एक्शन दैट मे बी नॉट बी टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ठीक है, वहाँ पे भी यूज करते हैं जहाँ पे जो है मे बी जो उस टाइम पे वो चीज़ नहीं भी हो रही हो. टेम्पररी एक्शन को भी शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. टू रेफर टू अ डेफिनेट प्लान इन फ्यूचर. डेफिनेट प्लान को जो है अगर हमें पता होता है कि क्या होना है फ्यूचर में तो उस वहाँ पर भी हम यूज करते हैं. टू मेक अ प्रेडिक्शन जो है अगर हम सिर्फ ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम इसका यूज करते हैं. टू रेफर टू अ लॉन्ग टर्म कंटिन्यूइंग एक्शन दैट हैज स्टार्टेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर
सम टाइम आफ्टर दिस टाइम ऑफ स्पीकिंग. ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब बोली जा रही है तो उससे पहले से अगर कोई एक्शन स्टार्ट है और जब तक बोली जा रही है तब तक भी कंटिन्यू रहेगा, तो वहाँ पर भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर दें. इसमें हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है. ठीक है, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है. प्रेजेंट में इज एम आर है हमारे पास, पास्ट में वॉज वर है. ठीक है, और इसके अलावा जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा जो है जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ आई एन जी एड ज़रूर होगा, यानी कि वी फोर लगता है. ठीक है, वी फोर का यूज़ करेंगे हम, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, आगे देखते हैं. जैसे शी इज़ राइटिंग अ पोएम, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्रेजेंट में इज एम आर होता है, पास्ट में वॉज वर्ब होता है, फ्यूचर में विल शैल होता है. ठीक है, राइटिंग ये है जो है हमारा राइट का वी फोर हो गया, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म. ठीक है, इसके अलावा अ पोएम ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिस टेंस इज यूज टू रेफर द पास्ट सिचुएशन दैट कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट. ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन द रिजल्ट ऑफ विच स्टिल कंटिन्यूस, मतलब जो है ऐसा एक्शन जो कि अभी तक चल रहा है और अभी बाकी है उसका रिजल्ट आना. टू एक्सप्रेस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट विदाउट स्टार्टिंग अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, कि पास्ट में क्या हुआ बिना जो है टाइम स्पेसिफाई किए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, ऐसा एक्शन जो कि अभी तुरंत हुआ ही है, तो वहाँ पर भी हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. टू रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, रिपीटेड एक्शन या फिर हैबिचुअल एक्शन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. इन न्यूज और ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट यहाँ पर भी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है. इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हैव हैज होगा, ठीक है, पास्ट में हैड होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो फ्यूचर होगा वहाँ पे विल हैव वगैरह होगा. ठीक है, और हैव के अलावा जो वी थ्री होता है उसका वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए और देन ऑब्जेक्ट होना चाहिए. जैसे यहाँ पे दे हैव फिनिश्ड, ये फिनिश्ड हमारा वी थ्री है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है. दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारा हैव हैज आना ही था, और हैव का यूज़ जो है प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हैज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है. ठीक है, दे और डिनर ये हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो ऐसे एक्शंस को डिनोट करता है बेसिकली जो कि जो है पास्ट में स्टार्ट हुई थी और अभी तक जो है चल रही है, कंटिन्यू है. ठीक है, इसमें जो है हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत होती है. इसके अलावा हैव अ बीन और हैज बीन, हैव और हैज के साथ बीन और ऐड हो जाता है. ठीक है, हैव है, हैज है, उसके साथ बीन और ऐड हो जाएगा हमारा. और जो वी थ्री वी फोर है यहाँ पे यूज करते हैं हम. ठीक है, यानी कि जो भी वर्ब है उसके साथ आई एन जी ऐड हो जाता है और देन ऑब्जेक्ट हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे शी सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन, ठीक है, ये हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब आता है, परफॉर्मिंग वी फोर आ गया. ठीक है, उसके बाद जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. ठीक है, यूज ऑफ सिंस एंड फोर, सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और जो फोर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है. ठीक है, जब हम जो है किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं तब सिंस यूज करते हैं, फोर जब बहुत लंबे ड्यूरेशन के टाइम की बात कर रहे होते हैं तब फोर का यूज करते हैं. सिंपल पास्ट टेंस में भी जो है यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है. सिंपल पास्ट टेंस भी जो है पास्ट में कोई एक्शन या जो चीज़ हुई है, हैबिचुअल एक्शन है पास्ट का कोई, तो वहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा था. ठीक है, यहाँ पे बस हमें जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत होती है, साथ में वी टू यूज़ करते हैं हम, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जरूरत होती है इसमें, और इसके अलावा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ जाता है. जैसे मोहित ग्रू अप इन अ विलेज, ठीक है, तो ग्रू हमारा वी टू हो गया, मोहित जो हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ऐड हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं, और पास्ट में कोई घटना अगर कंटिन्यू में चल रही होती है तो वहाँ इसे रेफर करने के लिए इस टेंस का यूज़ होता है. यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा जो वॉज वर है इसका यूज़ हम करते हैं. यहाँ पे वॉज हमारा सिंगुलर के साथ यूज होता है, वर हमारा जो है प्लूरल के साथ यूज़ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज़ होता है. ठीक है, इसके अलावा जो है साथ में हमारा जो वी फोर है उस टेंस का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे. ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ जो है कब होता है, ये जो है पास्ट में कोई घटना ऐसी जो घटी है, जो कि हो चुकी है, तो उसके बारे में दिखाते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है. यहाँ पे हमें जो है सब्जेक्ट हेड, ठीक है, उसके अलावा जो हमारा वी फोर है, वी थ्री है, सॉरी वी थ्री का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर. ठीक है, जैसे आई रीच्ड आफ्टर द शॉप हैड क्लोज्ड फॉर द डे. ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है, हेड हमारा आना ही है कंपलसरी, और जो वी थ्री है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है. जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है यहाँ पे सब्जेक्ट आना होता है हमारा. ठीक है, इसके अलावा हेड बीन आएगा और जो वी फोर है वो आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, हेड के साथ बीन जरूर आएगा, और जो हमारा जो वी फोर है उस टेंस का हम यूज करेंगे. जैसे आई हैव बीन वेटिंग, तो यहाँ पे हेड आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब आया, और वी वेटिंग हमारा वी फोर थे. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है.
सिंपल फ्यूचर टेंस, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि जो हैबिचुअल एक्टिविटीज जो कि फ्यूचर में हो सकती हैं या जो है फ्यूचर को डिनोट करने वाली एक्टिविटीज के बारे में जो है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस इसको इंडिकेट करता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है इसमें, ठीक है, उसके बाद विल आता है, ठीक है, एंड देन हमारा वी वन जो है हमारा सर वो आ जाता है, ठीक है। अब आपका फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमारा जो है का स्ट्रक्चर वही होता है, जो भी सब्जेक्ट है वो आएगा, विल शेल आता है, विल या शेल में से कोई भी एक चीज आएगी एज ए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वी फोर यूज करते हैं हम यहाँ पे वर्ब का वी फोर यूज करते हैं, वर्ब के साथ आई एन जी एड हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसके इसका स्ट्रक्चर जो है फ्यूचर में शेल के साथ हैव आ जाएगा, ठीक है, शेल हैव यूज होता है और या विल हैव यूज होता है, ठीक है, हैव का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब और जो है वी थ्री यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो जैसा हम स्ट्रक्चर देखते आए हैं सब्जेक्ट प्लस में हैव बीन विल हैव बीन या शेल हैव बीन और उसके बाद जो है हमारा वी फोर आ जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका ये टेंस वाला चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। जो सेंटेंसेस है उस एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिए हुए, जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर जो है वो कुछ चीज़ें ही बस अलग होती है, बाकी प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती है, तीनों जो है एक ही पॉइंट ऑफ टाइम को जो है डिस्क्राइब करती है, ठीक है। या एक ही तरीके का जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो होता है, बस कुछ वर्ड्स का जो है डिफरेंस होता है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है।